नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी टेलिंग की इस नई सीरीज में। आज हम लौटे हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की कहानियों के साथ। हर एपिसोड में हम उनकी एक कहानी को पढ़ेंगे जिसमें जिंदगी की खुशबू होगी और मैं आशा करता हूं कि वो सीधा आपके दिल तक पहुंचेगी। मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, यही कोई 27-28 के बीच में थी। कम से कम मुझे अपनी उम्र ज्यादा नहीं लगती थी। जिस लड़की से पिछले 5 साल से प्यार करता था उसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हो गई। साथ घूमना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, कभी कभार साथ में रुक जाना, कभी कभी बहुत नाराज हो जाना, जैसा कि आजकल के लड़के लड़कियां प्यार में फील करते हैं, वैसे ही फील करते करते उसके साथ 5 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, वी हैड अ गुड टाइम। उसे भी कोई रिग्रेट नहीं था। बेसिकली वो अपनी शादी को लेकर शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थी, वो चाहे मुझसे होती या फिर किसी और से होती। जाने से पहले उसने वही बोला जो हिंदुस्तान की करीब करीब हर लड़की बोलती है, अपना ख्याल रखना और अपनी शादी में पक्का बुलाना मुझे, और प्रॉमिस करो कि तुम भी जल्दी शादी कर लोगे और मेरी शादी में पक्का आओगे। आओगे ना? ये ऐसी बात है जिसका कभी भी कोई सही जवाब नहीं हो सकता सिवाय हाँ हूं के। मैंने भी यही किया, हाँ हूं किया। आखिरी बार उसके होंठों पर अपने निशान छोड़े, अपने होंठों पर उसके निशान लेकर हम दोनों एक दूसरे के कान में आखिरी बार लव यू और लव यू टू बुदबुदाए। कायदे से घर आकर मुझे उस दिन खूब दारू पीनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ मूड नहीं किया। बस थोड़ी देर तक लैपटॉप पर उसकी फोटो देखता रहा। मैं चाहता तो शायद हमारी शादी हो सकती थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, वो इससे ज्यादा रुक नहीं सकती थी। इसके बाद मेरा रूटीन बहुत नॉर्मल हो गया था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वीकेंड पर एक दो दोस्तों के साथ मूवी देखना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के थ्रू उनके ऑफिस की एक दो बंदियों से मिला भी जो उन दिनों सिंगल थी। लेकिन जो मिली मैं उनकी बातें झेल नहीं पाता था। इधर घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि मैं जल्दी शादी कर लूं। मम्मी से जब भी फोन पे बात होती तो सिवाय इसके कोई बात नहीं होती कि फलाने अंकल की बेटी का रिश्ता आया है, ढिमा के रिश्तेदार के थ्रू, बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, लड़की भी आईटी कंपनी में ही नौकरी करती है। मुझे किसी भी लड़की से शादी के लिए मिलने का मन नहीं किया। घर वाले भी साल 6 महीने कहते कहते थक गए। एक दिन अपनी ईमेल चेक कर रहा था तो देखा मेरी बहन ने मेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनी की साइट पर बनाकर रख दिया और मुझे उसका यूजर नेम और पासवर्ड भेज रखा है। गुस्से में मैंने उसको फोन मिलाया तो उसने मम्मी को फोन थमा दिया। मैंने बता दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, ये सब क्यों कर रहे हो मुझे बिना बताए, और प्रोफाइल बना ही दिया है तो कम से कम फोटो तो अच्छी लगानी चाहिए थी। वेबसाइट से कौन शादी करता है, इसमें जो लड़कियां हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। तो बहन बोली कि वैसे भी जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें भी लड़कियों का कौन सा बड़ा भरोसा है, वैसे भी 8% इंडिया अब मैट्रिमोनी साइट से ही शादी कर रहा है। बहन ने फिर ये बताया कि ये पेड अकाउंट है, इसमें लड़कियों से चैट भी कर सकते हो और उनके नंबर भी देख सकते हो। मम्मी ने भी बताया, अब पहले जैसा नहीं है बंटू, पहले तो हम लोग समझते थे कि अखबार में वही लोग अपनी बेटी का प्रोफाइल देते हैं जो ओवर एज हो गई है, लेकिन आजकल का यही तरीका हो गया है। मम्मी में आई इस नए चेंज को देखकर अच्छा लगा, कम से कम बहू कहीं से भी आए, सास तो अप टू डेट है। बात आई गई हो गई,
अगले 2-3 महीने मैंने भी कभी अपना अकाउंट नहीं खोला। मम्मी ने बहन के साथ बैठकर रोज मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। ऐसे वेबसाइट से लड़की ढूंढना खानदान में पहली बार हो रहा था। मम्मी बताने लगी, यहां से रिश्ता आया है, वहां से रिश्ता आया है। अगले 1 महीने में कुछ 5-6 जगह मम्मी की रिश्तों को लेकर बातें सीरियस होने लगी। मम्मी का स्टैंड क्लियर था, उनको एक लड़की ढूंढ लेनी थी। और मेरा स्टैंड भी क्लियर था कि कोई भी लड़की को ले आए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मम्मी और मैं दोनों अपने स्टैंड पर टिके हुए थे। हाँ, बस वो जिसको बताती थी उस बंदी से या बंदी की फैमिली से मैं मिलाता था, फिर कोई ना कोई बहाना बता के काट देता था। एक दिन संडे को अपनी अलमारी समेटते हुए मुझे मानसी के दिए हुए गिफ्ट दिखे। गिफ्ट देख के मुझे याद आया कि लाइफ कितनी अनसेटल्ड हो गई है। जब तक वो थी, कम से कम ये नई लड़कियों को देखने वाला सिलसिला तो चालू नहीं हुआ था। मानसी के जाने के बाद मुझे उस दिन पहली बार लगा कि अब सेट हो जाना चाहिए। अलमारी समेट कर मैंने अपने जीवनशादी.com वाली प्रोफाइल पहली बार खोली। वहां देखा कि मम्मी और बहन ने मिलके 77 लड़कियों को एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया हुआ है और मेरी प्रोफाइल पर 21 लोगों ने एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया हुआ है। मैट्रिमोनी साइट पर पहली बार आना ऐसा ही होता है जैसे आप अपने लिए तार खरीदने निकले हो। आपको एग्जैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर लगाते जाना है और वेबसाइट अपने आप आपके लिए कौन सी लड़की सूटेबल रहेगी बता देगी, जैसे कि कार वाली वेबसाइट्स कार के बारे में बता देती है। मैं अभी इन सब माया जालों को समझने की कोशिश ही कर रहा था, इतने में एक नया एक्सप्रेस इंटरेस्ट आया। मैंने क्लिक किया तो बंदी की फोटो खुली। उसके नीचे उम्र 26 साल लिखी थी और अबाउट मी वाले सेक्शन में लिखा था, माय डॉटर हिमानी इज वेरी सिंपल, सोबर एंड फन लविंग। शी इज मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, करंटली वर्किंग विथ एन MNC बेस्ड इन दिल्ली। वी डोंट बिलीव इन डाउरी, लुकिंग फॉर ओनली सीरियस प्रपोजल्स। ये पढ़ते हुए मेरी नजर फन लविंग पर अटकी और वी डोंट बिलीव इन डाउरी पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक्सप्रेस इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया। अगले ही मिनट वो बंदी कोने वाले चैट बॉक्स में दिखने लगी। मैंने बॉक्स में मैसेज भेजा, हाय इज दिस हिमानी? नो नो, आई एम हिमानी सिस्टर। वहां से तुरंत रिप्लाई आया, ओ ओके। मैं थोड़ा ठिठका, लड़की की बहन से बात करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं था। व्हाट डू यू डू? आर यू लुकिंग फॉर वर्किंग गर्ल? आर यू वेज? वेज इज कंपल्सरी फॉर अस। हाउ मच इज योर सैलरी? हर CTC इज 4.65 lakhs पर एनम फिक्स्ड। यू बिलोंग टू विच प्लेस? आर यू सीरियस? इतने सवाल एक बार में, आर यू सीरियस? सॉरी, लेकिन यहां ज्यादातर लोग सीरियस नहीं होते ना, इसलिए पूछा आपसे। मुझे पता नहीं, मैं आज मैंने पहली बार ही अपना अकाउंट खोला है। मेरी बहन और मम्मी ही अकाउंट देखते हैं। फिर मैंने एक एक करके उसके सारे सवालों के जवाब दिए। उसने आखिरी सवाल किया, आपको कुछ पूछना है? हाँ प्लीज पूछो, मुझे हिमानी से बात करनी है। आपको ये नहीं लगता पहले हमारे पेरेंट्स को बात कर लेनी चाहिए? इस जवाब से मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, सोचा लॉग आउट मार दूं, लेकिन कुछ सोचकर मैंने लिखा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पहले हमारे पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की देख रहा हूं, अगर हिमानी अपने पेरेंट्स और अपनी बहन पर इतना डिपेंडेंट है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने ये मैसेज भेज तो दिया पर थोड़ा बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर मैंने अगर ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, ऐसा लिखकर भेज दिया। उधर से हिमानी की बहन जा चुकी थी। मुझे अपनी बेवकूफी पर बुरा लगा कि अच्छा खासा अलमारी साफ कर रहा था, कहां जीवनशादी.com के चक्कर में पड़ गया। अलमारी को ठीक करके खाना खाकर मैंने घर फोन मिलाया, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि मैंने
वेबसाइट खोली थी। अगले दिन ऑफिस में 11 बजे के आसपास एक ऐसे नंबर से मैसेज आया जो मोबाइल में सेव नहीं था। हिमानी दिस साइड। हु हिमानी? कल जीवनशादी.com पर आपकी मेरी बहन से बात हुई थी ना? ओ हाँ, बताइए। कैन वी टॉक इन इवनिंग? यस श्योर। विच टाइम? यू टेल मी। नो नो, यू टेल मी। ओके, 8 PM चलेगा? यस ओके। SMS के बाद मैंने हिमानी का नंबर शादी एक नाम से सेव कर लिया। तभी मम्मी का फोन आया कि किसी हिमानी नाम की लड़की की बहन का फोन आया था, वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने नंबर दे दिया है। वो बता रहे थे कि वेबसाइट पर उनसे तुम्हारी कुछ बात हो चुकी है। ये बोल के मम्मी मुझ पर हंसने लगी। चलो, मन तो हुआ तुम्हारा। मम्मी से बात करके मैं ऑफिस का काम करने में बिजी हो गया। लेकिन दिन में शाम के 8 बजने से पहले 4-5 बार घड़ी देखा कि कहीं 8 तो नहीं बज गए। मैं घर के लिए थोड़ा जल्दी चल दिया ताकि फोन आए तो ट्रैफिक में फंसा हुआ ना मिलूं। घर पहुंचकर 8 बजने का इंतजार करने लगा। ठीक 8 बजे ऑफिस से किसी का फोन आ गया। मैं बात कर ही रहा था इतने में शादी एक का कॉल मिस हुआ। मैंने ऑफिस वाला फोन काटा तो एक SMS पड़ा था। इट्स ओके इफ यू आर बिजी, वी कैन टॉक लेटर। मैंने SMS भेजा। नो इट्स ओके, शुड आई कॉल नाउ? इसके बाद शादी एक का कॉल ही आ गया। फोन उठाने से पहले मैंने अपने कमरे का दरवाजा सही से बंद किया और पंखा भी आवाज करता हुआ पहली बार लगा। उसे भी बंद किया और फिर कॉल उठाया। हाय, मैंने कहा। हेलोस, उसने कहा। सो हाउ वाज द डे? मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा। बड़ा ही अजीब हो जाता है ऐसे किसी बंदी से बात करना जो कि आने वाले कल में आपकी बीवी हो सकती है। आपको पता होता है आपको शुरू तो जीरो से ही करना है, लेकिन इस बार आपको जान पहचान से दोस्ती वाली और दोस्ती से प्यार वाली सीढ़ी पार नहीं करनी। ये वैसा ही है जैसे किसी टूर्नामेंट में कोई टीम सीधे फाइनल खेलने के लिए उतरे और उससे पहले कोई प्रैक्टिस मैच भी खेलने को ना मिला हो। खैर, हमारी बात शुरू हुई। बात करते करते कब 8 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। मानसी के जाने के बाद से उस दिन पहली बार मैंने 2 घंटे तक फोन पर बात की थी। दुनिया भर की बातें हुई। मम्मी ने उसको मेरा घर का नाम बंटू भी बता दिया था। बातों से तो वो बहुत बिंदास लगी, बिल्कुल मॉडर्न विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज टाइप। फोन रखने से पहले उसने कहा, मुझे एक बात बोलनी है जिसको बोलने के बाद शायद आप मुझसे बात करने से मना कर दो। बात तो बोलो। एक्चुअली कल वो चैट पर मेरी बहन नहीं थी तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं होता ना, एक से एक लफंगे मिल जाते हैं। एक बार तो एक शादीशुदा बंदा बात करता रहा, बहुत झेल चुकी हूँ इसलिए ये करना पड़ता है। आई होप यू डोंट माइंड दिस। एक्चुअली मुझे आपकी वो इंडिपेंडेंट लड़की वाली बात बहुत अच्छी लगी। आप अभी भी बात करेंगे मुझसे? हालांकि उसकी इस बात का इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे। बात सही भी थी, इन वेबसाइट्स का कोई भरोसा थोड़े है। मैंने कहा, अरे इतना मत सोचो आप। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक्स, सेम हियर। इतना कहकर हम दोनों ने फोन काटने से पहले कहा, पहले तुम रखो। नहीं, पहले आप रखिए। खैर, किसने फोन पहले रखा था ये मुझे अब याद नहीं, लेकिन फोन रखने के 20-25 मिनट बाद उसका टेक केयर गुड नाइट का SMS आया, जिसका जवाब मैंने केवल गुड नाइट लिख के भेज दिया। बातें रोज 8 बजे से शुरू होती। शुरू में 2-4 दिन तो
10 बजे बातें खत्म हो जाती। हफ्ते भर में ही फोन पे 12 बजने लगे। इस दौरान मुझे मानसी की याद कभी नहीं आई। जब हम एक दूसरे को ठीक ठाक जान गए तो सोचा कि मिलते हैं। मुझे एक हफ्ते बाद दिल्ली जाना था तो मैंने हिमानी से मिलने के बारे में पूछा। वो भी तैयार हो गए। वो बोली कि घर वालों से भी मिल लो। मैंने कहा मिल लेंगे, एक बार हम पहले मिल लें। उसने अपने घर पे बताया नहीं कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। मैंने भी अपने घर पर नहीं बताया कि मैं दिल्ली में किसी लड़की से मिलूंगा। आपने किसी की तस्वीर कितनी बार भी देखी हो लेकिन सामने वाले बंदे या बंदी की शक्ल बिना मिले साफ नहीं होती। फोन पर बात करते हुए हम दोनों को एक दूसरे का धुंधला चेहरा ही दिखता था। पहली बार मैं किसी लड़की से उसके घर वालों के बिना शादी के लिए मिल रहा था। हम सुबह 11 बजे राजीव चौक पे मिले। मिलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे की तस्वीरें पूरी करते रहे जो कि वेबसाइट से थोड़ी बहुत अलग थी। आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते, हिमानी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। आप भी वेबसाइट से बुरा लगता हूं क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उससे तो बहुत अच्छे लगते हो आप। और मैं वेबसाइट वाली फोटो जैसी लगती हूं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, उससे बहुत अच्छी। दिन भर कभी यहां तो कभी वहां घूमते रहे। उसने मुझे अपने कॉलेज का कैंपस दिखाया, कई सारे जॉइंट्स दिखाए जहां जहां वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। शाम तक घूम के हम बहुत थक चुके थे। फिर हमने कोई फालतू सी मूवी का टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गए। टिकट मैंने बहुत दिनों बाद लिया था लेकिन मानसी वाली आदत छूटी नहीं थी, साइड कॉर्नर वाली आदत। मूवी के दौरान भी हमारी बातें होती रही, हालांकि वो पहली बार मेरे इतना क्लोज थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका हाथ भी पकड़ पाऊं। थोड़ी देर बाद जब हमारी बातें खत्म हुई तो उसने पता नहीं कब अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत दिनों बाद मानसी की याद आई। मूवी खत्म हुई, उसके बाद मुझे सीधा एयरपोर्ट निकलना था। वो भी आई साथ में। फ्लाइट के टाइम से पहले वो एकदम चुप हो गई, कुछ बोल नहीं रही थी। जब वो कुछ नहीं बोल रही थी तब मुझे लगा कि हाँ ये बंदी अच्छी है, इससे शादी करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सोच लिया था कि जाते ही मम्मी को बोल दूंगा हिमानी के घर वालों से बात कर ले। एयरपोर्ट पर अंदर घुसने से पहले ना वो कुछ बोली ना मैं कुछ बोला, बस पलट के थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसने पूछ लिया, अब कब आओगे आप? ये सुनकर मैं उसके पास आया और उसके माथे को अपने होठों से हल्का सा गीला करके बोला, बहुत जल्द। इसके बाद शायद वो लव यू बुदबुदाई और मैं लव यू टू बुदबुदाया। दिल्ली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन उस दिन दिल्ली से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर एक बार लौटा तो मुस्कुराई और बोली, बस अब जल्दी आइए वरना मैं रो दूंगी। इतना बोलकर वो रो भी दी। मैं पूरे रास्ते हिमानी के बारे में सोचता रहा। कई दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन की ही तो यादें थी अभी तक हमारे पास, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। इससे पहले कभी भी किसी बंदी से मिलके इतनी जल्दी मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं की थी। हिमानी के साथ भी शायद इसलिए कि क्योंकि हम शादी के लिए मिल रहे थे। शायद ऐसा हर एक लड़के के साथ होता होगा जब वो शादी के लिए किसी लड़की से मिलता होगा। मुझे कई बार फर्क नहीं लगता आजकल की लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। दोनों में ही लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से जान चुके होते हैं। अब पहले वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि लड़के लड़कियां सीधे शादी में एक दूसरे को पहली बार मिल रहे होते हैं। अरेंज मैरिज में लड़के से ज्यादा लड़के की बहन
उसके जीजा वगैरह इंटरव्यू ले चुके होते हैं लड़की का, और वही लड़की के साथ भी होता है। कई बार लड़की से ज़्यादा लड़की की सहेलियाँ और जीजू वगैरह इंटरव्यू ले चुके होते हैं लड़के का। हाँ, जीजा दोनों साइड से कॉमन रहते हैं। हिंदुस्तान में जीजाओं की इज्जत का पैमाना यही है कि ससुराल में कोई शादी हो और तय होने से पहले उनकी राय पूछ ली जाए, वो हाँ का एकमात्र विकल्प चुने और बाजार में खबर फैला दी जाए कि लड़की या लड़के के जीजा ने सब देख समझ लिया था। जीजा जैसे जीजा होने से पहले शादी के सीनियर कंसल्टेंट थे किसी MNC में। आजकल की किसी भी शादी में जयमाल के टाइम पर जितनी आसानी से लड़के लड़कियां एक दूसरे से इशारों में बात कर लेते हैं, उसको देख के ये जानना करीब करीब असंभव है कि शादी लव है या अरेंज। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अगर मैं घर जाके बोल दूँ मुझे हिमानी से शादी करनी है तो ये मेरी लव मैरिज हुई या अरेंज। मैंने घर जाते ही मम्मी को बोल दिया कि मुझे ये लड़की पसंद है, बाकी आप लोग देख लो। मम्मी ने एकदम से खुश होकर पापा को बताया। बहन और उसकी सहेलियों की अपनी प्लानिंग शुरू हो गई थी। पापा ने हिमानी के पापा से बात की। हिमानी और मैं एक बार घर वालों के सामने मिले, ऐसे जैसे पहली बार मिल रहे हैं। वो चाय लाते हुए वैसे ही घबराई हुई थी जैसे सालों से हिंदुस्तान की लड़कियां घबरा रही हैं। उसने वैसे ही सारा सामान खुद बनाया हुआ था जैसे अमूमन सारी लड़कियां बना लेती हैं। पैसे ना हमें चाहिए थे ना उन्हें देना था, बस कुंडली मिलान बचा था। कुंडली मिलान हुआ, सब नॉर्मल निकला। दोनों ने चैन की सांस ली। कुंडली ने जितने घर आज तक बसाए उससे कहीं ज्यादा बसने नहीं दिए होंगे। शादी की डेट फिक्स हो गई, वहीं ऑन द स्पॉट रोका हो गया, अंगूठी पहना दी गई, सब परफेक्ट निपट रहा था। मुझे लव मैरिज वाली फील आ रही थी और हम दोनों के घर वालों को अरेंज मैरिज वाली। इन सब के बीच मुझे मानसी की याद कभी नहीं आई, जबकि एक टाइम ऐसा लगता था कि कैसे किसी और से शादी कर पाऊंगा। इस बीच हिमानी और मेरी रोज ही घंटों बात होती थी। मैंने शादी से एक महीने पहले ही दिल्ली ट्रांसफर ले लिया, जबकि दिल्ली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब दिल्ली जाने की वजह बदल चुकी थी। वजह बदल जाए तो शहर भी बदला हुआ ही लगता है। मैंने हिमानी को मानसी के बारे में सब बता दिया था, हालांकि मैंने कभी खुद हिमानी के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हमने मिलकर शादी के बाद रहने के लिए एक घर फाइनल कर दिया था। शादी को करीब एक हफ्ता बचा था और हिमानी ने मुझे शाम को ऑफिस के बाद मिलने के लिए कहा। वो बहुत रो रही थी। मैं जैसे ही उससे मिला वो मुझे गले लगाकर और जोर से रोने लगी। मेरे बहुत देर तक चुप कराने के बाद भी चुप नहीं हुई, तो मैंने ही उसका मूड हल्का करने के लिए कहा, क्या बात है, एक हफ्ता ही रह गया है शादी में, इस बात के लिए इतना क्यों रो रही हो। वो फिर भी रोती रही। करीब एक घंटे बाद बोली, मुझे एक बात बोलनी है जिसको बोलने के बाद शायद आप मुझसे बात करने से मना कर दो। तुम बात तो बताओ। मैं एक बंदे से मिली थी जीवनशादी.com के थ्रू आपसे मिलने के पहले। हाँ तो क्या हो गया। तो मेरा रोका हुआ था उसके साथ, हमारे बीच फिजिकल भी था। ही वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर मी, जैसे आपके लिए मानसी थी। लेकिन वो अपने करियर को लेके दुबई चला गया था और मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना था यहाँ दिल्ली में। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो वो मुझे पसंद था और अब उसे भी मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा। वो मेरे लिए लौट आया है मुझे बिना बताए, इसलिए मैंने पहले आपसे बात की थी तो बोला था इन वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं है। लौट आया है क्या मतलब। ये सुनकर वो फिर रोने लगी। देखिए मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन
मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बस आप एक एहसान कर दो, अपनी तरफ से ये शादी तोड़ दो। मन तो किया कि बहुत मारू हिमानी को, लेकिन उसकी बात मानकर भी नुकसान मेरा था और उसकी बात न मानकर भी। हम सुबह के 11 बजे तक मेरे घर पर बैठे रहे। कभी वो चुप होती तो मैं रोने लगता, तो कभी मैं चुप होता तो वो। ये हमारी पहली और आखिरी रात थी जो हमने साथ गुजारी। हमारी शादी की उम्र कुल 1 रात की थी। बिना मुकदमे के हम दोनों आजाद होकर भी उम्र भर के लिए कैद हो गए। उसने जाने से पहले बस इतना ही कहा, अपना ख्याल रखना और अपनी शादी में पक्का बुलाना मुझे, और प्रॉमिस करो कि तुम भी जल्दी शादी कर लोगे और मेरी शादी में पक्का आओगे। आओगे ना? उस दिन मानसी की बहुत याद आई। हिमानी के जीजा ने सभी रिश्तेदारों को SMS कर दिया कि दहेज की वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ी। कभी कभी कुछ शहर रास नहीं आते। मैंने नौकरी बदल ली है और दिल्ली छोड़ दिया है। एक अंकल की बेटी जिसको मैं बचपन से जानता हूं, उससे शादी कर रहा हूं। जयमाल में जितनी आराम से मैं अपनी होने वाली बीवी से इशारों में बात कर रहा हूं, उसको देखकर किसी के लिए भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये शादी लव है या अरेंज।